ब्रॉडवे तुहाडे विदेश जाण दे सुपनिआं नूं देवेगा हकीकत दी उड़ान। नमस्कार दोस्तों, मैं वर्षित ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज से लगातार इस चैनल के जरिए कोशिश रहती है लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट डिलीवर करते रहने की। बट आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाला हूँ कि रिफ्यूजल्स, जिसका सिनारियो हम सब तरफ देख रहे हैं, बहुत ज्यादा रिफ्यूजल्स आ भी रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कैनेडा के शायद वर्किंग स्टाइल भी आगे का चेंज हो रहा है। उसमें बहुत सारी कोई चेंजेस डिक्लेयर नहीं हो सकती ऑफिशियली, जैसे कि कोई कह दे कि सिर्फ एसटीएस केसेस जाएंगे या सिर्फ इसी प्रोविंस में जाएंगे, ऐसा नहीं है। बट प्रोफाइल्स को लेके जो उनकी स्ट्रिक्टनेस हमने मेजर की है और जो उनके आईआरसीसी के लेटेस्ट अपडेट्स हमने सुने और समझे हैं, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको एडवाइस देने वाला हूँ कुछ चीज़ों को लेके, जो बच्चे फाइल्स लगाने जा रहे हैं या वो जनवरी इनटेक के लिए लगाने जा रहे हैं, तो आप अपनी रिफ्यूजल्स को कैसे अवॉइड कर सकते हैं और शायद कुछ बच्चों के ये काम आ जाए जो अपने एसओपीस को अपडेट कर सकें उसके रिलेटेड भी। सो आज तीन चार मेजर टॉपिक है जिसके ऊपर आप अपने प्रोफाइल्स के ऊपर एक अच्छा सक्सेस रेट निकाल सकते हैं। ये चार चीज़ों को सुन जरूर लें, फाइल कहाँ से लगाएं, कैसे लगाएं, वो आपकी इच्छा, बट सुन लेंगे तो आप कम से कम, आपको पता होगा कोई भी कंसल्टेंट जब आपकी फाइल पे काम कर रहा है तो आपको कैसे वो फाइल चेक करनी है, कैसे वो फाइल पे क्या क्या चीज़ें जो हैं आपके काम की हैं जिनके लिए आपको बॉदर्ड होना है। सो सबसे पहली चीज़ जो आईआरसीसी ने हाईलाइट की वो थी प्रोग्रेशन ऑफ एजुकेशन, रेलेवेंसी ऑफ एजुकेशन। सब बच्चे ढूंढते हैं, बहुत सारे बच्चे उसमें भी नाकाम हैं अभी तक कि वो रेलेवेंसी ऑफ एजुकेशन अंडरस्टैंड नहीं कर पाते और कंसल्टेंट जो उन्हें कह देता है वो उसी में सिर्फ अपनी रेलेवेंसी को सेटिस्फाई कर लेते हैं। इसका एग्जांपल है कि बहुत सारे अच्छे बच्चे होते हैं जिनका मेडिकल के स्कोर अच्छे होते हैं, प्लस टू मेडिकल की होते हैं और उन्हें अर्ली चाइल्डहुड में डालने की कोशिश की जाती है। ऐसे ही बहुत सारे बच्चे बिजनेस कोर्स में जाने की कोशिश करते हैं बिकॉज उनका मैथ वीक है, तो इसलिए वो नॉन मेडिकल हैं, मैथ में 43 हैं तो वो 30 हैं या 33 हैं, तो वो सोचते हैं हम बिजनेस कोर्स ले लें तो हम उसमें निकल जाएंगे। सो ऐसे मिथ हैं कई सारे। सो इस चीज को मैं आपको क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं। एक तो कोर्स की रेलेवेंसी, ये पुराना इशू, अगर किसी के अभी तक समझ नहीं आया भाई तो वो एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है बिकॉज अलग अलग लोग उसे बहुत सारे यूट्यूब पे या टीवीज पे या कंसल्टेंसीज में भी आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि कोर्स की रेलेवेंसी को अच्छे से समझें। सेकंड चीज़ अब जो उन्होंने ऐड कर दी है, दैट इज़ प्रोग्रेशन ऑफ कोर्स, मतलब जो आपने पहले पढ़ा द नेक्स्ट कोर्स शुड बी नेक्स्ट लेवल टू इट। फॉर एग्जाम्पल, किसी बच्चे ने 3 साल का आईटी का डिप्लोमा कर लिया, मैकेनिकल का डिप्लोमा कर लिया, सिविल का कर लिया और उसके बाद वो फिर कैनेडा का यूजी का 2 साल का बेसिक डिप्लोमा लेके जा रहा है, तो उसके लिए भी चैलेंज है, वो एजुकेशन उसके लिए प्रोग्रेसिव नहीं है बिकॉज उसने जो चीज़ें उसमें होंगी वो ऑलमोस्ट वो चीज़ें वो अपने 2 या 3 साल के डिप्लोमा में इंडिया में पढ़ चुका होगा। सो ही हैज़ टू ऑप्ट फॉर अ ग्रेजुएशन या फिर एडवांस लेवल डिप्लोमाज में। इसी तरह से जो बच्चे ऑलरेडी ग्रेजुएट हैं एंड आफ्टर दैट दे हैविंग एक्सपीरियंस, तो उसके बाद वो एजुकेशन ऑप्ट कर रहे हैं, तो दे नीड टू मेक श्योर कि वो अब उनकी एजुकेशन प्लस उनके एक्सपीरियंस और दोनों को लेके वो प्रोग्रेशन की तरफ चले। तो थोड़े टेक्निकल कर दिया कनाडा के वीज़ा को हम ये कह लें, या वो सिर्फ एक, क्योंकि कनाडा की कोशिश हमेशा यही रही है कि वो एक क्रीम स्टूडेंट को टारगेट करना चाहता है। तो क्रीम स्टूडेंट हम किसे कहते हैं, एक अच्छा स्टूडेंट हम किसे कहते हैं, जिसे अपने बेसिक्स क्लियर होते हैं, जो काउंसलर के आगे ये लेके नहीं बैठता कि भाई मुझे कोर्स कौन सा चाहिए, ठीक है नहीं, जिसे खुद के बारे में कुछ पता हो। तो उस लेवल को अचीव करने के लिए यू नीड टू अंडरस्टैंड फ्यू थिंग्स, और या फिर राम भरोसे या एजेंट भरोसे सब कुछ छोड़ सकते हो जैसे आज तक छोड़ते आए हो, बट मेरी कोशिश आपको हमेशा नॉलेज करने की रहती है। सो प्रोग्रेशन ऑफ कोर्स, रेलेवेंसी एंड प्लस प्रोग्रेशन, दोनों चीज़ें। थर्ड सेकंड इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको चाहिए वो है एसओपी, जिसको हम बहुत लाइटली लेते आ रहे हैं, लेकिन एसओपी में कुछ चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ जो उन्होंने स्पेशली हाईलाइट की हैं और वो आपके एसओपी में होनी चाहिए, उनको अंडर एस्टिमेट ना करें और अपनी एसओपी को थोरली चेक करें। कौन सी हैं वो चार चीज़ें, अपार्ट फ्रॉम द स्टैंडर्ड एसओपी जो हम लिखते हैं वो तो होना ही चाहिए, लेकिन उसके अलावा जो उन्होंने एड ऑन किया है, एक तो हम उसमें ये लिखते हैं हमारे एकेडमिक क्या हैं, हम ये लिखते हैं हमने ये कोर्स क्यों लिया है, हम ये लिखते हैं कि हम कैनेडा पढ़ने जा रहे हैं, हम ये भी लिखते हैं कि हम पढ़कर करेंगे क्या, मतलब इंडिया वापस आएंगे, ये चीजें तो हम लिखते ही लिखते हैं, ये तो स्टैंडर्ड है एसओपी। बट उसके अलावा जो उसके अंदर कुछ स्पेशल चीजें उन्होंने हाईलाइट करने को कहा है उनको समझें और वो भी करें। वो क्या चीजें हैं, अगर आपके पास गैप था, आपने कोई जॉब की है बीच में, आपने कुछ भी ऐसा दिखाया नॉर्मल एजुकेशन के अलावा कोई वर्क एक्स दिखा रहे हो, तो भाई उस गैप में जो आपने
जॉब की, उस जॉब के बाद आप पढ़ने क्यों आ रहे हो ये मेंशन करो। आपको क्या जरूरत पड़ गई कि एक एजुकेशन करने के बाद एक जॉब आप कर रहे हो, फिर उस जॉब के बाद फिर आप पढ़ने की सोच रहे हो और वो भी कनाडा में सोच रहे हो, तो क्यों सोच रहे हो ये भी बताओ, ये क्लियर करो। ठीक है, ये उन्होंने हाईलाइट किया था पहले IRCC वेबिनार में। सेकेंडली प्रोग्रेशन एंड रेलेवेंसी, ये प्रॉपरली उसमें मेंशन करो। नॉर्मली हम रेलेवेंसी मेंशन कर देते हैं सिमिलर कोर्स को लेके और उसका प्रोग्रेशन मेंशन नहीं करते, ये तो 90% केसेस में नहीं होता था। ठीक है कि नहीं, तो इस चीज़ को आप ऐड ऑन कर लो कि वो कोर्स आपको कैसे नेक्स्ट लेवल की जो नॉलेज है वो दे रहा है, तो वो उसके बारे में समझना ज़रूरी है। थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज़, अपॉर्चुनिटी आफ्टर स्टडीज, मतलब इस कोर्स को करने के बाद आपके पास फ्यूचर में क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या मौके हैं ज़िंदगी में आगे बढ़ने के, क्या करियर उसमें क्रिएट होंगे। अब इसके लिए ये SOP बनाने के लिए मैं आपको पहले बता दूं, कंसल्टेंट मेरे ऊपर भी, चाहे किसी भी कंसल्टेंट के ऊपर मत छोड़ो 100% चीज़। एक नई आदत डालो जो पंजाब के बाहर, हरियाणा के बाहर वाले स्टूडेंट को है, जो दिल्ली के स्टूडेंट को है, जो मुंबई के स्टूडेंट को है, जो बेंगलोर के स्टूडेंट को है, वो आदत आपको डालनी पड़ेगी। वो आदत क्या है, अपना SOP आप खुद लिखोगे। जब आप खुद लिखोगे अपना SOP, तो यू नो व्हाट यू हैव डन, यू नो व्हाट यू आर गोइंग टू डू, एंड यू नो व्हाट यू वांट टू डू, और वो कोर्स का प्रोग्रेशन कैसे है वो आप बेहतर फाइंड आउट कर सकते हो अगर अच्छे स्टूडेंट हो। एक कंसल्टेंट फाइंड आउट नहीं कर सकता, क्योंकि कंसल्टेंट की ट्रेड कुछ भी हो सकती है, उसका बैकग्राउंड बिजनेस हो सकता है, उसका बैकग्राउंड कंप्यूटर साइंस हो सकता है, ये प्रोफाइल का तो कोई भी बंदा SOP लिख लेगा। बट अगर कोई स्टूडेंट मेडिकल स्ट्रीम से है तो उसका SOP हर कंसल्टेंट नहीं लिख सकता, क्योंकि कितने कंसल्टेंट हैं जो मेडिकल स्ट्रीम से इन टच होंगे, या उनके पास कितने ऐसे टीम मेंबर होंगे कि जो अलग अलग स्ट्रीम से होंगे पास आउट, और उनको पता होगा कि इसमें ये रेलेवेंसी ये प्रोग्रेशन बनता है। तो सबसे पहले तो मेरे दोस्त अपने कोर्स को खुद एक कस्टम SOP लिखने की आदत डालो, फिर उसको इंग्लिश वाइज करेक्ट या इनहेंस अपने काउंसलर से करवाना शुरू करो। That is the best way to do SOP. This is how the students in South India do as well, or Central India students do this. So Punjab के student को भी, हरियाणा के student को भी, importantly Gujarat के student को भी कहीं ना कहीं इस चीज़ को समझना पड़ेगा, और उनको अपने SOPs राम भरोसे, consultant भरोसे छोड़ने बंद करने पड़ेंगे। थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज़ जो उन्होंने ऐड कर दी है इस बार, पहली मैंने बताई थी रेलेवेंसी प्रोग्रेशन पे मैंने स्ट्रेस दिया, सेकंड कस्टमाइज SOP जिसके ऊपर मैंने फर्दर दो तीन पॉइंट्स आपको हाईलाइट किए। नाउ द थर्ड मेन पॉइंट इज फंड्स। फंड्स को लेके उन्होंने काफ़ी हाईलाइट कर दिया दोनों इवेंट्स में, पहले और सेकंड में भी। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो बच्चे एक साल से ज़्यादा के एजुकेशन कोर्स के लिए जा रहे हैं, दे मस्ट मेक श्योर कि उनके पास सेकेंड ईयर, और जहाँ अगर थर्ड ईयर भी आप पढ़ने जा रहे हो ग्रेजुएशन है, तो आपके पास वो कोर्स की जो कॉस्ट है वो आप कैसे कवर करोगे, उसके लिए सफिशिएंट सोर्स ऑफ फंड्स एंड सफिशिएंट सोर्स ऑफ इनकम ये ऐड करना ना भूलें। ये अब एक तरह से इसको ज़रूरी मान लें कोविड के बाद, इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। फोर्थ इम्पॉर्टेंट चीज़ वो है लो एकेडमिक्स। बहुत सारे बच्चे जिनका लो एकेडमिक्स होता है, मतलब ओवरऑल परसेंट बन रहे होते हैं 60, 65, 70 भी बन रहे होते हैं, लेकिन आप किसी एक सब्जेक्ट में बहुत वीक होते हो। ग्रेजुएशन वालों पे इस चीज़ का उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता, लेकिन प्लस टू वालों के सिर्फ सब्जेक्ट ही 4-5 होते हैं, और उसमें अगर आपके कोई भी मेन सब्जेक्ट वीक है, मेन सब्जेक्ट मैं किसकी बात कर रहा हूँ, नॉन मेडिकल स्टूडेंट हो तो फिजिकल, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, मेडिकल स्टूडेंट हो बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सुपर मेडिकल किया है तो साथ में मैथमेटिक्स इंक्लूड कर लो, कॉमर्स स्टूडेंट हैं तो नॉर्मली बिजनेस, स्टैट्स, इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स, ये जो आपके कोर सब्जेक्ट होते हैं 3 या 4, इनमें भाई यू शुड नॉट सपोज टू बी बिलो 60, कोशिश करो। बिलो 50 पे भी चीज़ें वर्कआउट कर जाती हैं, बट बिलो अबव 50 पे भी चीज़ें वर्कआउट कर जाती हैं, बट ट्राई टू बी ऑन 60, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कैनेडा आपके इस कोर्स के सब्जेक्ट्स को प्लस टू वालों के खासकर वो बड़े ध्यान से देखता है, और उनके ऊपर बेस्ड ही आपके रिजल्ट्स आपको देखने को भी मिल रहे हैं। सो आई एडवाइस यू कि इन चीज़ों के ऊपर पूरा ध्यान दें अगर आप फ्यूचर में रिफ्यूजल से बचना चाहते हैं। थैंक यू, गुड बाय। नमस्कार दोस्तों, जो दोस्त ब्रॉडवे इमिग्रेशन की सर्विसेज लेना चाहते हैं
वो कैसे हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं उसके लिए मैं आपको शुरू में जरूर बताऊंगा. सो यू जस्ट हैव टू फॉलो थ्री स्टेप्स, अ सिंपल थ्री स्टेप्स. नंबर वन, यू नीड टू विजिट आवर वेबसाइट broadwaystudy.com. नंबर टू, यू नीड टू फिल अ फॉर्म. वेबसाइट पे एक फॉर्म होगा, यू हैव टू फिल योर नेम, नंबर एंड द कंट्री यू विश टू ट्रेवल. एंड नंबर थ्री, उसके बाद जब आप फॉर्म सबमिट करेंगे, यू कैन सी आवर ऑनलाइन काउंसलर्स आउट देयर. यू कैन सेलेक्ट योर काउंसलर बाय जस्ट क्लिकिंग एनी वन ऑफ देम एंड द वीडियो कॉल विल स्टार्ट ऑटोमेटिकली. जैसे ही आप किसी एक काउंसलर के नाम पे क्लिक करेंगे, वो वीडियो कॉल अपने आप ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगी. सो एनी वेयर फ्रॉम इंडिया, आउटसाइड इंडिया, यू विश टू टेक अ ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज, यू कैन अप्लाई विद अस ऑनलाइन फ्रॉम योर होम, फ्रॉम योर कंट्री. थैंक यू. ब्रॉडवे तुहाडे विदेश जाण दे सुपनिआं नूं देवेगा हकीकत दी उड़ान.